हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा आठवीं का एक नया अध्याय, पाठ पाँच, स्मृति। ये पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यह पाठ केवल सार का पाठ है, इसलिए आप पेज 40 पाठ पाँच पर लिखिए ओनली फॉर सार। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि इसका शीर्षक है स्मृति, आधा स म के पैर में री, त को छोटी ई। स्मृति से अभिप्राय मेमोरी यानी याद। इस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। लेखक ने इस पाठ में बचपन की एक घटना का वर्णन किया है। उन्होंने बाल मन की एक ऐसी स्थिति के बारे में बताया है जो शायद हमारे बचपन और आपके जीवन में भी कभी अपने माता पिता और कभी अपने बड़े भाई बहन की डांट या मार के डर व भय के कारण बनी हो। बच्चों, शायद आज ये पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी कोई घटना याद आ जाए और उसे याद करके आप मंद मंद मुस्कुरा भी उठे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ पाँच, स्मृति। पाठ की रीडिंग शुरू करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों को मार्क करेंगे। और पहला शब्द है रोमांचकारी। रोमांचकारी मीन्स थ्रिलिंग या रोंगटे खड़े कर देने वाली। घटना इंसिडेंट। बाल प्रकृति, प के पैर में पदेन, क के पैर में री, त को छोटी ई। बाल प्रकृति मीन्स चाइल्ड नेचर। चेष्टाओं, चेष्टाओं मीन्स इच्छाएं या कोशिश। दृष्टव्य, द के पैर में री, आधा श, ट, आधा व, य। दृष्टव्य मीन्स साइट। वर्णात्मक शैली, वर्णात्मक शैली से अभिप्राय किसी अनुभव का वर्णन करना। जब हम किसी लेख द्वारा अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हैं तो उसे वर्णात्मक शैली कहा जाता है। सायंकाल, सायंकाल मीन्स इवनिंग। 3:30 से अभिप्राय 3:30। झरबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसा बेर जो कि एक जंगली बेर भी कहा जाता है। अज्ञात, भय, अज्ञात मीन्स अननोन, भय मीन्स फियर। डाक खाने, डाक खाने मीन्स पोस्ट ऑफिस। चिट्ठियों, चिट्ठियों मीन्स लेटर्स। अब अगले पेज पे चलते हैं 41 पर, और पहला शब्द है ठंडक। ठंडक मीन्स कोल्डनेस और कोल्ड। आदेश, आदेश मीन्स ऑर्डर। फरलांग, फ ल को आ ऊपर रे बिंदी ग, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक फरलांग में 201 मीटर होते हैं। आदि, आदि मीन्स हैबिचुअल और यूज्ड टू। जागृत, ज को आ ग के पैर में रीत, जागृत मीन्स अवेयर। उझक कर, उझक कर मीन्स झांकने के लिए ऊंचा होना। स्मरण, आधा स म र अण, स्मरण मीन्स रिमेम्बर। अकस्मात, अ क आधा स म को आ त, त के पैर में हलन। सडनली, झपट्टा, झ प ट के पैर में हलंत, ट को आ, झपट्टा मीन्स ग्रैब। व्यर्थ, आधा व य थ के ऊपर रेफ, व्यर्थ मीन्स बेकार। बाट, बाट मीन्स पाथ और वे। आंखें डब डबा कर मीन्स आंखों में आंसू भर आना। तो आइए अब रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मूल उद्देश्य को पढ़ेंगे। पाठ का मूल उद्देश्य, इसमें लेखक ने बचपन के दिनों में घटित एक रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। बाल प्रकृति और बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण विशेष रूप से दृष्टव्य है, यानी बच्चों के स्वभाव और अपने मन की इच्छाओं को पाने की कोशिश करने का बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह लेख बच्चों को वर्णात्मक शैली का ज्ञान करवाता है। शिक्षणालोक, शिक्षकगण बच्चों को पाठ के माध्यम से बचपन की स्मृतियों को यानी बचपन की यादों को किस प्रकार चित्रित किया जाता है का ज्ञान कराएं। यह घटना सन 1908 ईस्वी की है। जनवरी के महीने की ठंडक का पहला सप्ताह रहा होगा, यानी सप्ताह यानी वीक। सायंकाल का समय था, लगभग 3:30 या 4 बजे होंगे। कई मित्रों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। तभी गांव के पास के एक आदमी ने जोर से आवाज दी और कहा कि बड़े भाई बुला रहे हैं, शीघ्र जाओ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। हम दोनों किसी अज्ञात भय के
भाई की मार की डर से डरते डरते घर पहुंचे। हमें देखकर भाई साहब ने बुलाकर कहा, इन पत्रों को शीघ्र जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालकर आओ। बच्चे क्यों डर गए? उन्हें लगा कि शायद उनकी किसी ने शिकायत कर दी है कि हम जंगल में बेर तोड़कर खा रहे हैं। लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें क्या पता चला कि उन्हें तो मक्खनपुर डाक खाने में भेजा गया है। तेजी से जाना, जिससे रात होने से पहले वापस आ जाओ। इन चिट्ठियों का सुबह तक निकलना जरूरी है। ठंडक ऐसी थी कि हांड तक कंपा दे, यानी अंदर तक हड्डियों को ठंडा कर दे। लेकिन बड़े भाई साहब का आदेश था तो टालने का मतलब भी नहीं था। हम दोनों भाई गर्म कपड़े पहन हाथ में डंडा लेकर घर से निकल पड़े। चिट्ठियों को मैंने अपनी टोपी में रख लिया था क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से एक ही फरलांग दूर उस कुएं पर पहुंचे जिसमें एक अति भयंकर काला सांप गिरा पड़ा था। कुआं कच्चा था यानी उसके आसपास कोई भी दीवार नहीं बनी हुई थी, लेकिन 24 हाथ यानी 36 फीट गहरा था। उसमें पानी न था, उसमें सांप ना जाने कैसे गिर पड़ा था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था, यानी उन्हें पहले से पता था कि उस कुएं में एक काला सांप है। हम लोग स्कूल जाते समय सांप को छेड़कर उसकी आवाज़ सुनने के आदि हो गए थे, सो आज भी कुएं में ढेला फेंक कर उसकी फुसकार सुनने की इच्छा जागृत हो गई। बच्चों का मन शरारती होता है, इसलिए जो शरारत वह स्कूल जाते समय करते थे अब भी उन्हें वही सूझी। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उझक कर एक हाथ में टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। यानी जैसे ही कुएं में ढेला फेंकने के लिए पैर उठाए, अपने टोपी को हाथ में पकड़ा, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार भरी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बस अब तक स्मरण नहीं, यानी अब तक मुझे कुछ याद नहीं कि उस समय क्या हुआ। लेकिन टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी, क्योंकि वो एक उन्हें एक शरारत सूझी और उस शरारत में भूल गए कि टोपी में तो 3 चिट्ठियां रखी हैं। अकस्मात जैसे ही घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से घायल होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी प्रकार वह चिट्ठियाँ कब टोपी से निकल गई, मेरी तो मानो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारने की कोशिश की, यानी उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह व्यर्थ निकला। लेकिन सब बेकार था, वह तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिरने से बचा, क्योंकि कुएं के आसपास कोई दीवार नहीं बनी हुई थी, थे तो वह बच्चे ही। अब कुएं की बाट पर बैठे हम रो रहे थे, यानी कुएं के पास के रास्ते पर बैठे दोनों बच्चे रो रहे थे। छोटा भाई ढांडे मारकर यानी जोर जोर से, और मैं चुपचाप आंखें डब डबा कर, यानी आंखों में आंसू थे। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता नहीं था। मैं कश्मकश में थे दोनों कि क्या कहा जाए, या तो मिट्टी डाल दी जाए और कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, लेकिन बच्चे झूठ बोलना जानते नहीं थे। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की भांति दुनाई होने का डर था। रुई की भांति दुनाई होने का डर यानी मार का डर। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी काम जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से मैं बैठा सिसक रहा था। यानी अगर घर जाकर सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी, और चिट्ठियां पहुंचेंगी नहीं तो फिर भी हमें डांट पड़ेगी। इसी कश्मकश में पड़ा हुआ वह सिसक रहा था, यानी रो रहा था। इस सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, देर हो रही थी। उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, यानी दिन ढलता जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दूधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। यानी
तलवार की एक तरफ धार होती है, लेकिन ये दोनों चीजें मुझे दो धारी तलवार, यानी एक तो पिटने का भय और दूसरा जिम्मेदारी पूरी ना होना, दो धार की तलवार जैसा प्रतीत हो रहा था। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। जितनी आज हमने पेज 40 और 41 की रीडिंग की है, इसका सार आप अपनी कॉपी पर करेंगे। अब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।